के साथ तमस का मेल अहंकार नहीं किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही हैं। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। परंतु माधव, यदि यदि मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है, तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरण को खाएगा ही, और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? उसका क्या तात्पर्य है? उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल पांच महाभूत नहीं, पांच पदार्थ नहीं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा तीन गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश, उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। यह आत्मा क्या है माधव, और इसे जानने का क्या उपाय? मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है, और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। ना जल उसे निर्बल कर सकता है, और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। न हन्यते हन्यमाने शरीरे पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूं। स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूं? स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं,
स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। ये आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, वैसे प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। मनुष्य ये जान लेता है,
वो दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना, दंड का क्या तात्पर्य है? अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड ही दया है। उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो यह अनिवार्य, किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज धर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ, और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ। तो मेरे हाथों हत्याएं होंगी माधव, मेरे कारण किसी के प्राण जाएंगे, तो मेरे अंतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा? और यदि धर्म का आधार करुणा है, तो क्या मेरी आत्मा धर्मी नहीं हो जाएगी? कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रख कर कोई कार्य करता है, तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए, तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए, तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं।
इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। वो कैसे माधव? यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा? ना सुख माधव, ना ही दुख। अर्थात तुम्हारा सुख दुख हताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है। युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई हैं, उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है पार्थ? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौंतेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। विचार करो, जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को चलाते हैं। यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। और तुम्हारे पिता ने यदि संन्यास ना लिया होता तो आज भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते। और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। किंतु दुखदायक बात तो यह है पार्थ कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और कीचड़ वहीं पड़ा रहता है, वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता।
वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। स्वयं उसे सन्यास का लाभ होता है किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता है। मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव, अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे। मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार। प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार। भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन। यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रिगुणियो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार, और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर। स्मरण रहे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जो फल का त्याग कर दे परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधव। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनो पार्थ, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं, उसे दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता, और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्मयोगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है,
जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और बात जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विश्यान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। और अंत में ऐसे मनुष्य के पूर्णतः पतन हो जाता है। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं, और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ, और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माता? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्म योगी बन जाता है, और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है, और धर्म का अंतिम चरण भी वही है। किंतु मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं माता? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा अहंकार क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए, सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार्थ, ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं।
जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। माधव, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया है। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माधव, आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणम ब्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं, मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं।